अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 स्टॉक है जो कि इसको सिलेक्शन करने का रीजन क्या है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक को हमने सिलेक्शन किया है ये सारे डेट फ्री कंपनी है और इस कंपनी में लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है। ये स्टॉक में आपको अभी के टाइम पे अगर आप कल के मार्केट सिनारियों पे अगर बाय करके चलेंगे ये स्टॉक में, आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 स्टॉक है तो ये सारे इंपोर्टेंट स्टॉक है, आप 10 नंबर स्टॉक को भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे स्टॉक इसमें बहुत अच्छा सा प्रॉफिट गेन देने का दम रखता है। और आखिर तक आप वीडियो में जरूर बने रहिए, तो उसको बाय करने का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए लेना है, सारे चीज हर एक वीडियो में हर एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नया है फ्रेंड्स, इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है तो उसका एनालिसिस जरूर देख लीजिए यहाँ पे जाके, मार्केट सिनेरियो में जैसे करेक्शन हो रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टॉक है ये अबॉट इंडिया है फ्रेंड्स। ये जो लार्ज कैप स्टॉक है ना, इतना जल्दी करेक्शन नहीं होता है और इस टाइम पे जब करेक्शन होता है ना उसी टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में ये जो स्टॉक आ जाता है उस टाइम पे, उसी टाइम पे आपको बाय कर लेना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है जो कि 23% 24% का करेक्शन आ चुका है। अभी अगर ये स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं जो कि 18,200 का है रेंज पे आप बाय करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है। अगर कंपनी का हम फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर इसका सबका अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है तो यहाँ पे चैनल पे जरूर ये सारे स्टॉक का डिटेल एनालिसिस मिल जाए क्योंकि हमने पहले ये सारे स्टॉक के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक है जो कि 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो यहाँ पे आरओसी देखिए 35 का आरओसी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.07% का डेट है जो कि इतना ज्यादा डेट नहीं है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे यहाँ पे 23,934 है, अभी यहाँ पे 18,373 पे चल रहा है, मतलब बहुत एक बढ़िया सा हेल्दी करेक्शन पे स्टॉक चल रहा है, 5,500 रुपीज करेक्शन पे स्टॉक चल रहा है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। आप अगर इसका भी आप अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे बेहतरीन एक लॉन्ग टर्म का चार्ट है और अगर अगर इसका आप 10 ईयर्स का भी सीएजीआर रिटर्न देखेंगे, 29% का सीएजीआर रिटर्न है 10 ईयर्स में। तो ऐसे सारे स्टॉक में अगर आप बने रहेंगे ना तो आपको लॉस नहीं होगा। देखिए कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, 10 साल में 27% का सीएजीआर ग्रोथ भी रिटर्न दे रहा है। तो इस हिसाब से आप ये स्टॉक को पहला स्टॉक को कंसीडर करके चल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि बेहतरीन स्टॉक है। तो अगर इसको आपको टारगेट रखना है ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट लेके चल सकते हैं जो स्विंग ट्रेड वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है फ्रेंड्स। ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। तो अभी इसी टाइम पे जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है ना, ये स्टॉक में आप डर रहे हैं तो ऐसा स्टॉक में आपको डरना नहीं होता है। मैंने आपको हमेशा हर एक टाइम पे बताया था कि ये स्टॉक को आप लेके चल सकते हैं। अभी स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है, अभी इस टाइम पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। अभी इसी टाइम पे भी आप बाय करते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा 2858 तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं जो कि ऑल टाइम हाई है। तो आपको इसमें एक 20% का गेन मिल सकता है। ये स्टॉक आपको 20% गेन देने के लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है। अगर हम ये कंपनी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जिन्होंने अभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और मार्केट कैप की अगर बात करेंगे 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 5,67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है। मैं तो उनको रिकमेंड करूंगा जो जो फ्रेंड्स फिक्स डिपॉजिट में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये सारे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इनका ये सारे मार्केट लीडर है, ठीक है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया सा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 39% का आरओसी है, डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पे देखिए इतना करेक्शन के बावजूद भी, इतना गिरावट के बावजूद भी 10 साल में 20% का सीएजीआर का रिटर्न दिया है, ठीक है, 5 ईयर्स में 24% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से आप इस स्टॉक को कंसिडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि एचडीएफसी लाइफ है फ्रेंड्स। ये एक डेट फ्री कंपनी है, ये स्टॉक में भी आपको पोजीशन बना लेना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये स्टॉक में तो आप बिंदास आप पोजीशन बनाएंगे और इसमें टेंशन फ्री आपको रिटर्न मिलता है। अगर अभी भी आप अगर इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे ऑल टाइम हाई तक अगर आप लेके चलते हैं फिर भी आपको 20% का गेन मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये स्टॉक में आपको 3 मंथ्स में 20% का गेन मिल सकता है। और जो भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट लीडर है अगर इसी हिसाब से देखा जाएगा ना।
एचडीएफसी लाइफ का मार्केट कैप देख लीजिए, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आरओसी देखिए 20 का आरओसी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि फोर्थ स्टॉक है मैरिको है। फ्रेंड्स ये मैरिको अगर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर आपने मतलब बाय करके रखे हुए हैं तो वो स्टॉक को होल्ड कीजिए। मैरिको कोई बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन अभी जिस हिसाब से मैरिको में भी करेक्शन हो रहा है तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैरिको में अगर इसी हिसाब से देखेंगे ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन आ चुका है। फ्रेंड्स देखिए यहां पे भी एक 17% का करेक्शन आ चुका है। अभी अगर इस स्टॉक को लेना है तो आप ये लेवल पे ले सकते हैं, जो कि ये लेवल एक बहुत बड़ा सा रेंज पे अभी चल रहा है, ये रेंज पे चल रहा है, ये रेंज पे आप बाय कर लीजिए, ठीक है। जो कि 494 या तो फिर यहाँ पे 500 का रेंज पे स्टॉक आ जाएगा तो बाय कर लीजिए। तो यहाँ पे आप टारगेट 600 का टारगेट तक ले लीजिए, जो कि 20% का गेन है। इसके लिए आपको ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा, ये लार्ज कैप स्टॉक है, जिस हिसाब से स्टॉक है ना, तो ये आपको 6 मंथ्स में 20% का गेन दे सकता है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करेंगे, फंडामेंटल की बात करेंगे, सारे वीडियो का डिटेल एनालिसिस फ्रेंड्स यहाँ पे बनाया हुआ है, जरूर आप रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जहां पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा रिसर्च भी करना जरूरी है, स्टॉक का एनालिसिस भी जरूर वहां पे चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बाय कर लिया उसके बाद में स्टॉक में अगर करेक्शन आया उस टाइम पे हम सेल करने के बारे में सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैं कभी भी कोई सा स्टॉक को बाय करता हूँ 2-4 बार पहले सोचता हूँ, उसके एनालिसिस जरूर चेक करता हूँ, उसी बेसिस पे जब एंट्री लेता हूँ स्टॉक में, अगर करेक्शन आता है उस टाइम पे मैं होल्ड करता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक को लॉस में सेल करके नहीं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब स्टॉक को बाय किया हो ना तो उससे पहले मैं जरूर एनालिसिस करके बाय किया हूँ, मुझे उस टाइम पे कॉन्फिडेंट मिलता है। बल्कि अगर 20-30% का करेक्शन हो जाता है उस टाइम पे मैं और भी ज्यादा बाय करता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक बाय करना है मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, तो मैक्सिमम अपना पोर्टफोलियो का 5% उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, ठीक है। देखिए ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, जो कि 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पे आरओसी 44 का आरओसी है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.09% का डेट है। और स्टॉक को आपको मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक में 10 साल में भी एक बेहतरीन रिटर्न दिया है, जो कि 21% सीएजीआर रिटर्न दिया है, ठीक है। एफडी में जहां पे 5-6% से 7% तक मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स में 21% का आपको सीएजीआर रिटर्न दे रहा है, एक बेहतरीन गेन है फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही ट्रेड अगर साल में 2 बार ले लिए तो आपका 40% आपका गेन बन गया, 44% का गेन बन गया। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि नाम इंडिया है, निप्पन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फ्रेंड्स इस टाइम पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे काफी दिन से मैं भी इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से भी पोजीशन बनाते हैं, आपका स्विंग ट्रेड टारगेट के लिए 475 तक अगर लेके चलते हैं, यहाँ पे 35% का गेन मिल सकता है, एक बेहतरीन स्टॉक है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट लीडर भी है। तो इस हिसाब से आप इस स्टॉक को कंसिडर करके चल सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर एचडीएफसी लाइफ है तो एचडीएफसी लाइफ को भी आप लेके चल सकते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो मार्केट लीडर तो एचडीएफसी लाइफ है, सॉरी एचडीएफसी एमसी है, तो ये भी सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीयर्स में जाके, तो ये भी अभी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि मिड कैप स्टॉक है। ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। जो कि 6th कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, ये पी फाइजर है, ये जो स्टॉक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अभी जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो जिन्होंने नहीं लिया अभी भी ये स्टॉक को उसी लेवल पे, मुझे लग रहा है इस लेवल पे फिर से आ सकता है, 4,869 का लेवल पे, 4,800-900 का लेवल पे आप अगर बाय कर लेते हैं स्टॉक को, इसका पहला जो टारगेट है 6160 तक अगर स्टॉक में आप पोजिशन बना के चलते हैं तो आपको एक यहाँ पे 25% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ये एक बढ़िया सा स्टॉक है, जो कि डेट फ्री कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर आप देखेंगे ना तो देखिए हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आता है, उसके बाद में फिर से ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाता है, ठीक है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्टॉक में भी आप अपना पोजिशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट स्टॉक जो है वर्लपूल है। वर्लपूल में काफी सारे फ्रेंड्स डरे हुए हैं, जिन्होंने भी पोजीशन बना के रखे हुए हैं तो उनका मन में डर है कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा क्या, और नीचे जाएगा क्या।
फ्रेंड्स एक चीज आप समझिए, ये जो कंपनी है ना, ये सब कंपनी में आपको डरना नहीं है क्योंकि मार्केट लीडर है, कई सालों से इनका बिजनेस चल रहा है। इसका कोई एक दो क्वार्टर में अगर स्टॉक नीचे आ जाता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन में आ जाता है, उस टाइम पे हमें बिल्कुल सोचना नहीं है, उस टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी की तरह सोचना है। तो इसलिए मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ये स्टॉक में आप बिल्कुल पोजीशन बना के चल सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा सा वॉल्यूम उठाया गया है, तो आप इस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे एक 50% तक का आपको भी प्रॉफिट मिल सकता है। अगर इसी हिसाब से अगर यहाँ से भी पोजीशन बना के चलते हैं, ऑल टाइम हाई तक अगर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 2700 तक का तो आपको 50% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि 8th स्टॉक है, यहाँ पे HDFC AMC है फ्रेंड्स। अगर HDFC AMC को भी आप अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो काफी दिन से ये स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन ये हमें नहीं पता किस टाइम पे यहाँ पे एक बूम आएगा ना, जहाँ पे इस टाइम पे एक रैली आएगा ना, उस टाइम पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो में अभी अगर लेके नहीं रखेंगे तो रैली को आप मिस कर सकते हैं। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टॉक का नेचर है। यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक यहाँ पे करेक्शन हुआ ना, तो जब नीचे आया था उसके बाद में कितना बड़ा सा रैली दिखाया आप देख सकते हैं। यहाँ से कितना बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया, जो कि एक साल के अंदर में 200% का रिटर्न दिया है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अभी भी काफी दिन से कंसोलिडेशन हो चुका है, दो साल से। अभी ये स्टॉक अगर भागेगा ना, तो यहाँ से बिल्कुल एक दो टाइम, वन टू टाइम्स रिटर्न दे सकता है। लेकिन फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये स्टॉक को अभी ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर ये लेवल तक लेके चलते हैं, 3350 का लेवल तक, आपको फिर भी 40% का गेन स्टॉक में मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक लार्ज कैप स्टॉक है, देखिए देखिए यहाँ पे 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पे आरओसी देखिए 40% का आरओसी है। यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, ऑल टाइम हाई देखिए 3800 है। अभी बिल्कुल यहाँ पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट पे मिल रहा है स्टॉक, तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी स्टॉक आप बाय कर रहे हैं ना, बाय करने से पहले उसका एनालिसिस जरूर एक बार रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि और पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखिए। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। मैं हमेशा ये एक चीज का जिक्र बार बार कर रहा हूं कि इस पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्क लेके अगर ज्यादा गेन आप लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देख लीजिए, जो कि यहाँ पे 60% तक का रिटर्न मिल सकता है 6 मंथ्स में, ऐसा भी स्टॉक है, तो इसको देख लीजिए। अगर आपको उससे भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, अगर आप भी जाके प्ले लिस्ट में जाके ये स्विंग ट्रेडिंग वाला जो फोल्डर है, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा भी आपको स्टॉक मिलेगा जो कि 100% का रिटर्न देने की दम रखता है, 150% का रिटर्न देने का दम रखता है एक साल में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो वहां पे देखना पड़ेगा, काफी सारा वीडियो वहां पे नोट डाउन करना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वही स्टॉक का आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेस है, ये जो कि मिड कैप स्टॉक है। तो अगर ये आपका पोर्टफोलियो में नहीं है तो भी ये स्टॉक को आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में आप पोजिशन बनाते हैं, 9700 तक का भी अगर स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे, तो आपको ये स्टॉक में 50% का गेन मिल सकता है। बहुत बढ़िया सा कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इस स्टॉक का हम बात करेंगे, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे आरओसी 39 का आरओसी है, तो मुझे लगता है B2B बिजनेस में है, तो ये स्टॉक को भी आप अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि IGL है। काफी दिन से फ्रेंड्स ये जो ऑयल सेक्टर कंपनी है यहाँ पे करेक्शन पे चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा सा वेल्थ बना के देगा, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया सा वेल्थ बना के दिया ऐसा स्टॉक, ठीक है। ऐसा स्टॉक में अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे हमेशा यहाँ पे हर एक दो साल में यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है, तो इस हिसाब से इसी पोजीशन पे है। अभी अगर ये स्टॉक को आप बाय करते हैं, तो यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई तक स्टॉक में आप पोजीशन बना के रखेंगे, यहाँ पे 27-28% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहते हैं तो भी लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट का स्टॉक अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं ये प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।